मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ, एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफा बताया, और वजीफा भी मैंने किया, लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं है। अब्दुल दिरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए, कौन जो पैसे का बंदा है, अब्दुल दिरहम पैसे का गुलाम है, पैसे का पुजारी है, उसके लिए तबाही है। रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना। सस्टेनेंस की वरी को कैरी नहीं करना, सर पे सवार नहीं कर लेना। अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार नहीं बन जाना, अब्दुल्ला बनना है। अल्लाह ताला राजिक है, अल्लाह ताला चिड़ियों को रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला परिंदों को रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला बगैर मांगे रिज़्क़ देता है। नॉन मुस्लिम्स अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिज़्क़ लिखा हुआ है, अल्लाह ने तमाम लोग का रिज़्क़ लिखा हुआ है, तो रिज़्क़ आकर रहेगा। इसीलिए तवक्कल अल्लाह सुभान व तआला पर रखिए। और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है बड़ा मुश्किल काम, इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज़्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। अगली चीज़ रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखेंगे, और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज़ आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जैसे कुछ लोग, मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज पहले पढ़ता था, दुआ करता था, अब मैंने छोड़ दी, नमाज भी छोड़ दी, दुआ करनी भी छोड़ दी। मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफ़ा बताया, और वजीफ़ा भी मैंने किया, पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना घर है, झोंपड़ी में रहता है, उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है कि मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अल्लाह की वर्शिप करूँगा, तो गरीब आदमी तो पक्का पक्का एथियस्ट है, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, उस बेचारे के पास तो दो तीन वक्त का खाना भी नहीं होता नसीब। तो देखिए, ये चीज़ को क्राइटेरिया ना बनाए। अल्लाह इज नॉट जीनी इन द लैम्प, नाउज़बिल्ला। अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चराग को रगड़ा, जीनी निकला, और उसने कहा हुक्म मेरे आका, और आपने उसे कहा ये दे दो, और वो फौरन आपके सामने। तो अल्लाह इज नॉट जीनी इन द लैम्प, ब्रदर, अल्लाह इज योर लॉर्ड, अल्लाह हमारा रब है। बजाय के ये सोचने के मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूँ, हमारी सोच उलट है कि अल्लाह मेरे लिए क्या कर सकता है, और यही हमारा डाउनफॉल है, यही हमारी उम्मत का डाउनफॉल। सहाबा की सोच थी व्हाट कैन आई डू फॉर अल्लाह, मैं कैसे अल्लाह ताला को अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से किसी ना किसी तरह कैसे खराज तहसीन पेश करूं।